सेप्टेम्बर और अक्टोबर मास बेलू आसीपे तृतीय लहर शिशुमाने प्रभावित तो होवार आशंका मुकाबिला केते प्रस्तुत राज्य सरकार देश एवं राज्य में कमिबार लगी कोरोना द्वितीय लहर प्रभाव तेरे यहाँ भितर माड़ी आसलानी तृतीय लहर भय यह लहर शिशु मैंने प्रभावित तो होवार आशंका रही तेरे छोट शिशु मान चिकित्सा अन्य रोगी भिन्न होबू आरंभ है मुकाबिला प्रस्तुति राज्यर गोष्ठी स्वास्थ्य केन्द्र ठू आरंभ कर मेडिकल कॉलेज पर्यंत 1114 डाक्तर और 1036 स्वास्थ्यकर्मी को शिशु कोविड रोगी केमी चिकित्सा करे से नहीं तालीम आरंभ हो पिला स्वतंत्र कोविड चिकित्सा सुविधार विकास आवश्यक उपकरण और औषध महजूद रखा निर्देश देते मुख्यमंत्री तृतीय लहर मुकाबला 3000 बेड 2390 आइसोलेशन बेड 610 आईसीयू बेड प्रस्तुत रखा आम जेहेतु शिशु रोग रोगी मान चिकित्सा शैली भिन्न से स्पेशल प्रोग्राम दरकार आम सरकार डिसाइड कर बेड बढ़ेबू शिशु मानक आईसीयू व्यवस्था करूँ पर्याप्त परिमाण रे डाक्तर पेडियाट्रिक डाक्तर सांगे नॉर्मल डाक्तर को आम बेसिक ट्रेनिंग आई मानक दिजो पारामेडिकल मान को दिजो अनेपटे तृतीय लहर ने सचेतन कराई डीएमईटी सीबीके महांती अभिभावक मैंने सचेतन हेले शिशु मान ही संक्रमण रक्षा कर जदि पेरेन्ट मैंने निजे सचेतन हे अभिभावक मैंने सचेतन होने जदि टीकाकरण को ग्रहण करे से संक्रमित न हो शिशु मैंने निश्चित भाव कम परिमाण संक्रमित हे बेसिकली वयस्क लोक मैंने कैरियर भाव इनफेक्शन बाहर आनी पिला दे था वयस्क लोक मैंने प्रिकॉशन हवा दरकार केमी से इनफेक्शन होबेनी ओ पिला इनफेक्शन करेंगे ना अनेपटे राज्य में संक्रमण ह्रास पाई खूब शीघ्र आरंभ हो अनलॉक प्रक्रिया एने स्वास्थ्य विभाग पक्ष विचार विमर्श चली संक्रमण हार रे राज्य को तीन टी विभाग रे भाग करा जाय पारे 11 जिले में कटकणा बलवत्तर रहिबो तेबे पश्चिम ओडिशा रे अनलॉक प्रक्रिया रे विशेष सुविधा मिलिबो 10-5% संक्रमण हार थिबा जिले में सामान्य कटकणा और संक्रमण हार 5% तळकु थिबा स्थान रे अनलॉक प्रक्रिया आरंभ हेबो आज 6019 पॉजिटिव चिन्हट होइतिबा बळे 43 जनकर मृत्यु होइछि भुवनेश्वर दिव्यज्योति महांती रिपोर्ट अर्गस न्यूज़।